हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रोफेसर ज्योति माने, लेक्चरर इन साइंस एंड ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट फ्रॉम ब्रह्मदेव दादा माने पॉलिटेक्निक सोलापुर। माय सब्जेक्ट नेम इज बेसिक साइंस केमिस्ट्री। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस। ओके, इन लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। इन दिस फर्स्ट पॉइंट ब्रीफली वी आर स्टडीज इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। फर्स्टली वी नो वॉट इज मीन बाय आयोनिक बॉन्ड और एंड इलेक्ट्रो वायलेंट बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर डिसिमिलर एटम। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। ओके, नाउ व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट दिस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल्स। द फॉर्मूला इज द NaCl। ओके, इन दिस सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय वन एटम ऑफ सोडियम एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन। वन एटम ऑफ सोडियम एंड वन एटम ऑफ क्लोरीन इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, हाउ इट इज बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सी दिस रिएक्शन। इन दिस केस द सोडियम एंड क्लोरीन द एटॉमिक नंबर आर ओनली फोकस ऑन दिस सोडियम एटम, ओनली फोकस ऑन दिस सोडियम एटम। ओके, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज सी हियर 2, 8, 1, 2, 8 and 2, 10, दैट वन इज द 11। दैट मीन्स द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, फोकस ऑनली सोडियम एटम, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम इज 2, 8, 1। दिस इज द सोडियम स्ट्रक्चर हैविंग इज द 2, 8, 1, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर इज 2, 8, 1। ओके, इन दैट सोडियम एटम हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, सी हियर इन दिस स्ट्रक्चर द सोडियम एटम हैविंग वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट ऑर्बिट, इट लूज दिस वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। दिस सोडियम एटम लूजेस दिस वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्मेशन ऑफ Na+। ओके, दैट मीन्स द सोडियम इट लूजेस दिस वन इलेक्ट्रॉन एंड टू बिकम स्टेबल लाइक नियॉन कॉन्फिगरेशन। ठीक है, दैट द इलेक्ट्रो वैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1। द सोडियम इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन। ओके, द सोडियम इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन। द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लोरीन, देन फोकस ऑन क्लोरीन एटम, सी हियर क्लोरीन एटम, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज, द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 8, 2, 10 and this 7, that means the atomic number of chlorine is 17. Okay, then chlorine atom having 7 electron in its last orbit, that means it needs one electron. The structure of chlorine is 2, 8, 7. The structure of chlorine is 2, 8, 7. It needs one electron to complete its octet. Whenever this chlorine atom gain one electron to become Cl- or to become stable like argon configuration, so that it gains one electron
okay? The electrovalence of chlorine is minus 1. Electrovalence of chlorine is minus 1. That means, so electrovalence of sodium is plus 1. Electrovalence of chlorine is minus 1. Therefore, the formation of sodium chloride molecule, this one, that means this sodium chloride molecule is formed by electrovalent bond. Is formed by electrovalent bond. Okay. This is the one example. See here the another example. Another example is the formation of magnesium oxide. What is the formula of magnesium oxide? MgO. MgO. This is the structure of, this is the reaction of magnesium oxide. See here. This is the magnesium. Only focus on this magnesium. Okay. Now what is the atomic number of this magnesium? Is 8 to 10. This 2 is 12. That is the atomic number of magnesium is 12. Okay. Atomic structure of magnesium is 12. Then structure of this magnesium is 2, 8, 2. Understand? 2, 8, 2. That means the magnesium having 2 electrons in its last orbit. That means it loses these 2 electrons. Suppose these 2 electrons loses to become stable. Or like neon configuration. Mg plus plus. This magnesium loses this 2 electron to formation of Mg plus plus and to become a stable like a neon configuration. Okay? That means it loses 2 electron. Okay? This loses 3 electron. Now what is the valency of this magnesium? Is the magnesium having plus 2 valency. Magnesium having plus 2 valency. Okay, the next point, only focus on this oxygen. Oxygen. Then what is the atomic number of oxygen? Is the atomic number is this 6 and 2. 8. Atomic number of oxygen is 8. Oxygen having, the structure of oxygen is 2, 6. This oxygen having 6 electrons in its last orbit. That means it needs 2 electrons. It needs 2 electrons to become stable. Whenever this oxygen gain these 2 electrons, it becomes oxygen minus minus. That means oxygen minus minus. And like neon configuration. Like neon configuration. Then what is the valency of oxygen? What is the valency of oxygen? The oxygen of valency is minus 2. Oxygen of valency is minus 2. That means magnesium having plus 2 valency and oxygen having minus 2 valency. Okay. Therefore, the magnesium oxide molecule is formed by electrovalent bond. Understand? What is the example of the sodium chloride and second one is the magnesium oxide. This is the electrovalent bond. I hope you understand the concept of electrovalency and the example of the electrovalent bond. Okay, thank you.